विश्वख्यात जादूगर सिकंदर अगले एक महीने तक कोटा शहर वासियों का अपने जादुई अंदाज से भरपूर मनोरंजन करेंगे। आज से नयापुरा मयूर सिनेमा में लाइव शो का आगाज हो गया है। अगले एक महीने तक मयूर सिनेमा में अलग अलग समय पर लाइव परफॉर्मेंस शो होंगे। शो का टिकट ऑनलाइन और हॉल के बुकिंग काउंटर पर उपलब्ध रहेगा। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने शो का उद्घाटन किया। जादूगर सिकंदर के प्रबंधक रुद्र प्रताप सिंह और पीआरओ मदन भारती के मुताबिक जादूगर सिकंदर पहली बार कोटा में अपना शो लेकर आए हैं, जहां 50 से ज्यादा महिला पुरुष जादूगर सिकंदर के साथ जादुई करतब दिखाएंगे। इस शो का मुख्य आकर्षण डायनासोर रहेगा। करोड़ों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके डायनासोर को अचानक मंच पर प्रकट करके दर्शकों को दंग कर देने वाले हैरतअंगेज करतब जादूगर सिकंदर दिखाएंगे। कोटा के पूर्व शहर काजी अनवार अहमद का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शहर काजी अनवार अहमद बीते कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। करीब 62 वर्ष तक अनवार अहमद कोटा के शहर काजी रहे। उम्र के तकाजे और अस्वस्थ होने के चलते उन्होंने कुछ महीने पूर्व ही ईद के दिन शहर काजी की जिम्मेदारी अपने बेटे जुबेर अहमद को सौंप दी थी। पूर्व शहर काजी अनवार अहमद हर वर्ग के लिए व्यक्तित्व के धनी थे। सादगी स्वभाव और सौहार्द के लिए उन्हें जाना जाता था। कोटा में एक दिन का शिशु पालना गृह में मिला है। जेके लोन अस्पताल के बाहर पालना गृह में एक दिन के शिशु को परिजन छोड़ गए। सुबह करीब 11:30 बजे लोगों ने नवजात बालक को पालना गृह में रोते हुए देखा तो जेके लोन अस्पताल प्रबंधन को सूचित किया। इसके बाद बाल कल्याण समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और करणी नगर आश्रम के सदस्यों को बुलाकर बालक को अपने कब्जे में लिया। बाल कल्याण समिति ने नयापुरा थाने को भी सूचित किया है। जन्म के बाद शिशु को पालना गृह में छोड़ने वाली महिला का पुलिस पता लगाएगी। कोटा के किशोरपुरा इलाके में एक तेज रफ्तार कार किशोरपुरा मोड़ पर अनियंत्रित होकर मकान से जा टकराई। हादसे के वक्त इतना तेज धमाका हुआ कि घटनास्थल से कुछ दूरी तक के लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि मकान में सो रहे लोग किसी तरह के हादसे का शिकार नहीं हुए। वहीं कार में मौजूद लोगों को भी ज्यादा चोटें नहीं आई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर सीधे मकान की दीवार से जा टकराई। घटना बीती देर रात की है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके के लोग भी कार में फंसे लोगों को बचाने के लिए दौड़े। कार का एयरबैग खुलने की वजह से कार में सवार दोनों जनों को भी कोई खास चोट नहीं आई। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।